नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना के खिलाफ उपजा युवाओं का आक्रोश, भाजपा को चुनावी राज्यों में भारी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में सेना को रोजगार के सबसे बड़े स्रोत के रूप में देखा जाता है। देश सेवा के लिए युवाओं को सेना में भेजने के मामले में यह राज्य 12वें नंबर पर आता है। हिमाचल से लगभग 47,000 लोग इस समय सेना में कार्यरत है। यहाँ लगभग हर दूसरे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति सेना की नौकरी कर रहा है। लेकिन जब से केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है, युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जो कि भाजपा का सबसे बड़ा वोटर वर्ग है, तो राज्य में सत्ता में वापसी का उसका प्लान अधूरा ही रह जाएगा। राज्य में इसी साल के अंत में गुजरात के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम के रोड शो को नहीं मिली कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक रोड शो का आयोजन किया था। इस रोड शो को बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआती के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इस रोड शो को पार्टी के उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। पीएम के रोड शो पर अग्निपथ योजना का विरोध भारी पड़ गया। इससे पार्टी को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। हिमाचल में जीत भाजपा के लिए अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री की 15 दिनों के बीच यह दूसरी हिमाचल यात्रा है। इसके बीच पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के रोड शो में आयोजित कर चुके हैं। राज्य की अहमियत भाजपा के लिए इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पार्टी का यहां दोबारा जीत हासिल करना एक इतिहास बनाने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन युवाओं का बढ़ता विरोध उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कितने सैनिक परिवार? देश की आबादी में लगभग 0.57% हिस्सेदारी रखने वाले हिमाचल प्रदेश की सेना में 4% हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार के लगभग वर्ष भर पहले ही दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सैनिकों की कुल संख्या 46,960 थी। विभिन्न राज्यों द्वारा सैनिक सेवाओं में जाने वाले राज्यों में क्रम में हिमाचल प्रदेश 12वें नंबर पर आता है। सेना में यूपी की हिस्सेदारी सर्वाधिक। लगभग साल भर पहले एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि सेना में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 1,63,557 है। देश की आबादी में लगभग 16.5% हिस्सेदारी रखने वाला यह राज्य सैनिकों की संख्या के मामले में 14.5% हिस्सेदारी रखता है। सैनिकों में पंजाब की हिस्सेदारी 90,000 के करीब है, जबकि देश की संख्या में उसकी हिस्सेदारी केवल 2.3% है। महाराष्ट्र सैनिकों की संख्या करीब 90,000 के मामले में है और वह 3rd नंबर पर है, और राजस्थान में 80,000 के लगभग 4th नंबर पर आता है। हरियाणा इस मामले में 65,987 सैनिकों के साथ 6th नंबर पर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र 47,457 सैनिकों के साथ 11वें नंबर पर और हिमाचल प्रदेश 46,960 सैनिकों के साथ 12वें नंबर पर आता है। युवाओं की नाराजगी भापने में हुई चूक। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार अग्निपथ योजना को सेना की मजबूती और आधुनिकरण के लिए लाया गया था। पार्टी को इस पर युवाओं के हल्के विरोध का अनुमान था, लेकिन युवाओं की नाराजगी इस स्तर तक बढ़ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। नेता के मुताबिक योजना को जमीन पर उतारने से पहले युवाओं को भरोसे में ना लेना पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। हालांकि पार्टी का अनुमान है कि यह योजना में कुछ बदलाव करके युवाओं की नाराजगी को दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।